बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक तनुश्री दत्ता की बात करें तो आज से कुछ साल पहले इन्होंने मी टू कैंपेन के चलते नाना पाटेकर पर कई सारे एलिगेशन लगाए थे और यौन शोषण के आरोप में नाना पाटेकर को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां भी छाई थी। तनुश्री दत्ता वही हैं जिन्होंने आशिक बनाया आपने से अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और इंडस्ट्री में आते ही इनकी खूबसूरती को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। यह बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक है जो फिल्म इंडस्ट्री में आते ही काफी ज्यादा सफलता हासिल कर चुकी थी लेकिन अपने करियर को ये ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख पाई। आज तनुश्री दत्ता लाइमलाइट से दूर गुमनामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। तनुश्री दत्ता की बात करें तो जमशेदपुर झारखंड में एक रूढ़िवादी बंगाली परिवार में जन्मी तनुश्री दत्ता आज लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह बीकॉम में अपना पहला साल पूरा कर रही थी तब उन्होंने मॉडलिंग करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 2004 आते आते इन्होंने फेमिना मिस इंडिया और 2004 मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद इन्होंने फिर आशिक बनाया आपने जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा जो कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और इसके साथ ही इन्हें काफी लाइमलाइट भी मिला। इस फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए आने वाले समय में तनुश्री दत्ता हिंदी तेलुगु और तमिल जैसी फिल्मों में काम किए और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी मशहूर अदायगी का नमूना पेश किया। तनुश्री दत्ता बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही थी लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई थी। परिवार की अगर तरफ से डालें तो ये बंगाली परिवार से आती हैं। उनके पिता का नाम तपन दत्ता है जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी थे। उनकी माँ शिखा दत्ता हाउसवाइफ थी। तनुश्री दत्ता की एक छोटी बहन इशिता दत्ता है जो कि एक अभिनेत्री भी है। एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मी तनुश्री दत्ता की असली पहचान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आकर ही होती है लेकिन इससे पहले मिस वर्ल्ड के कंटेस्टेंट के तौर पर तनुश्री दत्ता टॉप 10 में भी आई थी। तनुश्री दत्ता का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था और ये बंगाली परिवार से आती थी। शुरुआती पढ़ाई जमशेदपुर में करने के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई। पुणे में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही वो मॉडलिंग करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगी। 2004 आते उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर बनाने का फैसला किया। तनुश्री दत्ता ने फिल्म आशिक बनाया आपने के बाद चॉकलेट में काम किया और ये दोनों फिल्में 2005 में रिलीज हुई थी। इन दोनों फिल्मों की अपार सफलता के बाद तनुश्री दत्ता को लेकर ये कहा गया कि आने वाले समय में ये और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनेगी और ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बन जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2005 में इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और उनकी लास्ट फिल्म 2010 में अपार्टमेंट आई थी। कई फिल्मों में काम करने के बाद तनुश्री दत्ता को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब तनुश्री दत्ता के फिल्मों में कमबैक करने की चर्चाएं की जा रही है लेकिन इनके करियर के फ्लॉप होने का कारण क्या था? तनुश्री दत्ता आखिरी बार फिल्म अपार्टमेंट दिखाई दी थी। अचानक ही फिल्म दुनिया से वो गायब हो गई। फिर अचानक तनुश्री को 2012 में एक इवेंट में देखा गया था जहां वह एकदम अलग ही अवतार में नजर आई। बॉब कट बालों और साड़ी में तनुश्री दत्ता को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था और इसके बाद तनुश्री दत्ता फिर लंबे समय के लिए मीडिया की नजरों से दूर हो गई। लेकिन 2018 में उस वक्त वो अचानक सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने नाना पाटेकर पर 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप लगाते हुए भारत में मी टू अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही तनुश्री दत्ता ने इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे उनके नाना पाटेकर के इस व्यवहार पर आवाज उठाने पर उन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया। तनुश्री दत्ता का साफ तौर पर कहना था कि नाना पाटेकर के साथ उनके इस व्यवहार के कारण ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले समय में उन्हें फिल्में मिलना बंद होगी क्योंकि उन्होंने इसके लिए आवाज उठाने की कोशिश की थी। इतने नहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नाना पाटेकर के साठ गांठ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे निर्माता निर्देशकों के प्रति थे। ऐसे में उन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए तनुश्री दत्ता को फिल्में नहीं दिलवाई और इस तरह इनका पूरा का पूरा बॉलीवुड करियर खत्म सा हो गया। पूरी अगर घटना का जिक्र करें तो फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग चल रही थी। मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म का सेट लगा हुआ था। ज्यादातर हिस्सों को शूट किया जा चुका था। अब क्योंकि फिल्म को अगले साल रिलीज होना था लिहाजा प्रमोशन के लिए फिल्म में एक आइटम सॉन्ग डाला गया। नाना पाटेकर इस फिल्म के लीड रोल में थे और इस गाने का हिस्सा भी थे लिहाजा फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें सेट पर बुलाया और गाने के लिए सेट पर तैयार किया गया और दर्जनों साइड डांसरों को भी बुलाया गया। डांस डायरेक्टर गणेश आचार्य तनुश्री को स्टेप समझा रहे थे और पीछे डेजी शाह नाना को समझा रही थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बल्कि सेट पर तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर एक दूसरे को देखकर हंस भी रहे थे मगर फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि तनुश्री दत्ता सेट को छोड़कर अपनी वैनिटी वैन की तरफ जाने लगी और उन्होंने अंदर आते ही उसे लॉक भी कर लिया। तब किसी के सामने कोई वजह साफ नहीं थी और 3 घंटे के इंतजार के बाद भी जब तनुश्री दत्ता ने वैनिटी वैन से नहीं निकली तो उस दिन का शूट पैकअप कर दिया गया। लेकिन शाम को तनुश्री दत्ता के वैन से निकलते ही नया बवाल खड़ा हो गया। मीडिया की टीम जानना चाहती थी आखिर सेट पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तनुश्री दत्ता बहुत ज्यादा नाराज होगी लेकिन अपने पर्सनल स्टाफ के साथ वो बाहर निकली। तनुश्री दत्ता ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
इसे लेकर तनुश्री दत्ता के स्टाफ और कुछ मीडिया कर्मियों के बीच में झड़प की खबरें भी सामने आई थी। अपने स्टाफ के साथ कार के अंदर बैठी तनुश्री दत्ता लगातार फोन कर पुलिस से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की मौजूदगी भी काम नहीं आ रही थी। मगर इस मुसीबत से बाहर आते ही तनुश्री दत्ता ने यह कहकर इंडस्ट्री पर बम फोड़ दिया कि आइटम सॉन्ग की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर उनके नजदीक आए और उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की, और उन्होंने जब इसका विरोध किया तो नाना पाटेकर ने उनके साथ बदतमीजी भी की। हालांकि 2018 में इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला। तनुश्री दत्ता इतने ही नहीं रुकी और उन्होंने मी टू कैंपेन के चलते कई सारी और भी अभिनेत्रियों को इस मुहिम में शामिल होने का न्योता भी दिया, और उन अभिनेत्रियों ने भी इनका भरपूर साथ दिया। और मी टू कैंपेन के चलते अपने साथ हुए ऐसे हैरेसमेंट को लेकर पूरी दुनिया के सामने अपनी बात भी रखी। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो तनुश्री दत्ता आज बिल्कुल ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से आउट है। हालांकि समय समय पर वो कोई ना कोई एलिगेशन लगाते हुए नाना पाटेकर पर नजर आ ही जाती है, लेकिन बावजूद इसके अब उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी स्कोप नहीं रहा है।